हे गाइस, दिस इज़ देवजय एंड दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग। इस ब्लॉग को बनाने में मुझे जितनी खुशी हुई ना यार, उतना ही दुख भी हुआ, क्योंकि आज जो मैंने खोया है ना, उसका दुख मुझे अभी भी हो रहा है। और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना यार, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। नमस्ते सबको, मेरा मैं अजय, आज मैं एक्ट करने नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों के साथ एक खूबसूरत सी जगह जाने वाला हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों के साथ कैसे, तो गाइज मैं एक ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ आज, दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग। और सच बताऊँ तो मुझे बड़ा ही अनकम्फर्टेबल सा फील हो रहा है यार, एक्टिंग करते हुए इतना अनकम्फर्टेबल फील नहीं हुआ, अजीब सा हो रहा है। मैं 10-12 रिटेक ले चुका हूँ सिर्फ इतना बोलने में, कसम से। अब फिर भी मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा, मैं बस इतना बोलूंगा कि गाइज मैं गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ, आप लोग जानते होंगे मुझे, शायद जानते होंगे आप लोग मुझे। तो मुझे घूमना बहुत पसंद है, और सच बताऊं तो मुझे ऐसी जगह जाना पसंद है कि जहां से कोई इतिहास का कोई पन्ना जुड़ा हुआ हो। तो आज मैं और मेरी पूरी टीम, हम एक थिएटर ग्रुप हैं, तो हमारा पूरा ग्रुप घूमने जाने वाला है एक ऐसे खूबसूरत से टेम्पल के पास। तो मैं उस टेम्पल का नाम अभी आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको एक सरप्राइज मिले। शायद आपने हो सकता है वो टेम्पल का नाम सुना होगा इससे पहले, लेकिन आज जब आपको मैं घुमाऊंगा तो यकीन मानिए बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा। और मैं कोशिश पूरी करूंगा कि जो घर पे बैठे हुए हैं उनको भी उतना ही मजा आए जितना मुझे आ रहा है। तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ, मेरी एक फ्रेंड आने वाली है नीलम, तो उसी के साथ मैं जाऊंगा। तो गाइज मिलते हैं आगे ब्लॉग में, यकीन मानिए बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा। आज घूमने जा रहे हैं बद्राज, इन्होंने बता दिया होगा आपको। तो ये मेरी फ्रेंड आ चुकी है, तो अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। और सही बताऊँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है यार, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। जैकेट पहने ताकि हाथ काले ना हो। और हमारी स्कूटी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो अब हम चलते हैं बद्राज। ओ सॉरी, मैंने आपको नाम बता दिया, चलो ठीक है, अब आपको पता चल ही गया है। तो चलो अब हम जा रहे हैं बद्राज, और सही बताऊँ बहुत मजा आने वाला है। ये देखिए अभी इतना ट्रैफिक है, और क्योंकि आज ट्यूसडे है, सिर्फ संडे और सैटरडे को बंद रहता है, तो उस टाइम रोड खाली होती है, लेकिन आज बहुत भीड़ है। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ अभी मसूरी डाइवर्जन रूट पे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आज, कसम से इतना गर्मी है ना, इतनी गर्मी में क्या बताऊँ आप लोगों को। यहाँ पे मेरी बाकी की टीम भी आ चुकी है, तो आपको अपनी बाकी की टीम से मिलाता हूँ, ठीक है। ये मेरे दोस्त हैं, ये नीलम आपको पता ही है, ये है अमित, ये है गैरी भाई, ये है नंदिनी, और ये है आरुषि, ये पता नहीं शायद ये भी अपना अलग ही बना रही है। तो ये हमारा अमित भाई है, ये दिखा दिए सकल इन्होंने। तो अभी आधे लोग हमें मिल चुके हैं और आधे हमें आगे मिलेंगे। और बीच बीच में रुककर हम नजारों का मजा भी लेते हुए जा रहे थे। सही कहा है कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत तो रास्ते हुआ करते हैं, तो हम भी अपने खूबसूरत रास्तों का मजा उठाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे।
यार इससे पहले मैंने बहुत बुरे बुरे खतरनाक रास्तों के बारे में सुना है, पर आज जो मैं ये देख रहा हूँ ना, इससे बुरा शायद ही कुछ हो सकता है। और अब गाड़ी चला रही है मेरी दोस्त नीलम, क्योंकि यार अभी रास्ते से हम लोग ऊपर आ रहे थे, इतना ख़राब रास्ता है ना कि मेरा ट्राइपॉड टूट गया यार। तो बहुत दुख है मुझे इस चीज़ का, मेरा ट्राइपॉड टूट गया। अब आगे क्या होगा, कैसे बनाऊंगा, अब देखते हैं जाकर क्या होता है। और नीलम जो यहाँ लोकल है ना, नीलम तो यार नीलम को सारा पता है यहाँ के बारे में। तो अब यही चला रही है गाड़ी और मैं पीछे बैठ रहा हूँ। बहुत दुख हो रहा है, ड्राइवर टूट गया, दूसरा ड्राइवर टूट गया। यहाँ आगे किसी की गाड़ी फंसी हुई है जो कि ऊपर चढ़ी नहीं रही है। इतना गंदा रास्ता है गाइस ये। और ये मेरे दोस्त वहाँ पे खड़े हो रखे थे, पीछे आए ये। देखिए पीछे के भी सारे के सारे बहुत ही गंदा रास्ता है। अब हम आगे निकल चुके हैं इस रास्ते पे, बहुत ही बेकार रास्ता है। तो ऐसा लग रहा है कि गाड़ी की सर्विसिंग करानी पड़ेगी और जाते ही गाड़ी की कसम से वाट लग गई है। गाड़ी के सामने टायर टूट चुका है, गाड़ी का टायर टूट चुका है। सबसे ज्यादा दुख तो मुझे ट्राइपॉड का है कि ट्राइपॉड टूट गया मेरा। इतना गंदा रास्ता है ना गाइस, सॉरी मैं अभी वीडियो नहीं बना सकता, बहुत बुरी हालत है रास्ते की। यार बोल तो दिया है कि वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन वीडियो तो बनाना पड़ेगा ही, क्योंकि अगर वीडियो नहीं बनाया तो आप लोगों के साथ किया हुआ वादा कैसे निभाऊंगा कि आपको भी अपने साथ इस सफर पे घुमाने ले जा रहा हूँ। यार जब भी मैं ऐसे पेड़ों के बीच में आता हूँ ना, तो मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि काश ऐसा ही एटमॉस्फेयर कुछ जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी होता। क्योंकि अगर वहाँ ऐसा होता ना गाइस, तो मुझे नहीं लगता कोरोना वरोना या कोई भी महामारी हम लोगों को छू भी पाती यार। गाइस अभी भी हम रास्ते ही में और बहुत ही भयंकर रास्ता ही देखिए, पीछे मेरे दोस्त आ रहे हैं और बहुत ही डरावना रास्ता है। मुझे बोल रहा हूँ यार, मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और फर्स्ट ब्लॉग में ही बहुत बैंड बच गई यार। मैं देख रहा हूँ कि जो लोग ब्लॉग बनाते हैं कैसे बनाते हैं, ब्लॉग हालत यार। मैं तो बोला गाड़ी इधर ही रोक दो यार, ये स्लिप करेंगे ना, ये इन सब चढ़ाइए हुए मैम, हम में से कोई नहीं लेके जाएगा, तुम अपनी बाइक लेके पहुंचो ना। सबकी लगी हुई है वाट, क्योंकि यहाँ रास्ता बहुत ही खराब है। तो हम सब लोग डिसाइड ये किया है कि गाड़ियाँ वापस ले जाए जाए, पीछे एक जगह है जहाँ पे गाड़ियाँ रखी जाए, उसके बाद सब पैदल जाएंगे अगर, क्योंकि वापस आते हुए वाट लग जाएगी सबकी, बहुत वाट। तो अब देख रहे हैं वापस जाने का प्लान है, तो देखते हैं। दोस्तों फाइनली हम सब लोगों ने ये डिसाइड किया है कि भद्राज नहीं जाया जाएगा, क्योंकि अब हम लोग डर भी रहे हैं क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और मेरे साथ तो बहुत सारी ट्रेजेडीज एक साथ हो गई हैं, पता नहीं क्या किसका मुंह देखा था, चूहे मैंने शीशा देखा था शायद मैंने। और हम लोगों ने गाड़ियाँ वापस पार्क कर ली, तो हम लोग वापस जा रहे हैं। तो सॉरी यार, पहला ब्लॉग और आधे में ही रोकना पड़ गया क्योंकि कंडीशंस बहुत ख़राब थी। अब देखते हैं क्या मैम लोगों को यार, हम लोग सोच रहे हैं कि भद्राज यहाँ से दिख रहा है। एक्चुअली मैं अभी आपको दिखाऊंगा भद्राज। तो हम लोगों का प्लान ये है कि वहाँ जाया ही जाए, बिकॉज पूरा डे भी हमारा जा चुका है इसी में, और जब इतने पास आ चुके हैं अब यहाँ से वापस जाएंगे तो यार दिल पे थोड़ा दुख होगा। एक्चुअली मुझे तो ज़्यादा दुख है, आप लोगों को पता ही है, मैं तो दुखी आत्मा हो चुका हूँ आज। लेकिन अब सोच रहा हूँ मैं वहाँ जाया जाए, तो क्या करना है गाइस, चलें या ना चलें, क्या करें? नीलम क्या करना है, चलना है क्या करें, आप चले या ना चले, क्या करें? जाएंगे हम, भगवान के दर्शन करेंगे, चाहे हमें पैदल क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि हम अपने गढ़वाल में भी पैदल जा। और हमारी गाड़ी का ब्रेक भी ढीला हो गया है पूरा। ये देखिए यहाँ पे खूबसूरत से झंडे। एक्चुअली जहाँ जाने में वाट लगती है ना, वहाँ का व्यू भी उतना ही मस्त होता है। अभी हम पहुँचे नहीं है भद्राज, वहाँ पे मैंने को लगा दिया है।
दोस्तों मैं और नीलम पैदल लगे हुए हैं रास्ता। हम लोगों ने गाड़ी नीचे ही रख दी और हम ही दोनों हैं यहाँ जो पैदल लगे हुए रास्ते, बाकी के सब गाड़ियाँ लेके चढ़ गए हैं ऊपर। हमने सोचा यार गाड़ी में क्या जाना, जब इतना रास्ता आ ही गए हैं तो पैदल चलते हैं यहाँ से। तो मैं और नीलम पैदल जा रहे हैं और मज़ा भी बहुत आ रहा है और वाट भी लग गई दोनों की। गाइस अब यहाँ से हम पैदल जा रहे हैं तो थोड़ा भगवान का दर्शन हमें थोड़ा पैदल जा चल के भी करना चाहिए। तो यार आज की जो जर्नी थी ना बहुत ही थका देने वाली थी, क्योंकि आगे हमने सोचा अभी तो वापस चले जाए, बट अभी हमने फिर दोबारा प्लान किया कि जब इतने दूर तक हम आ गए हैं तो ना पूरा ही चला जाए। तो ज़्यादा सुनने में तो ये आया कि ज़्यादा दूर नहीं है, बट अब देखते हैं क्या होता है। कितनी भूख लगी है तुम्हें? I am feeling so 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 tired. अभी मत हमें लगा था कि यहाँ पे दुकान होगी, दुकान तो है बट खाली है। महिला यार खूबसूरत तो बहुत है ये जगह। आखिरकार सारे के सारे हम साथ हो चुके हैं, तो देख रहे होंगे आप। तो यहाँ से जा रहे हैं ऊपर, यहाँ से सबके सब पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ गाड़ी चलाने का रास्ता नहीं है। चलते हैं ऊपर दिखाते हैं आपको आगे। ये यहाँ का गेट है क्योंकि यहाँ से बंद लग रहा है लेकिन इधर से खुला है। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ मंदिर के पास, अभी ऊपर जा रहे हैं मेरे सारे दोस्त। मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ लेता हूँ फिर जाऊँगा यार अंदर, इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ तो जब अंदर जाऊँगा तो पूरी खुशी के साथ जाना चाहता हूँ और एक मोमेंट को कैप्चर करना चाहता हूँ। तो पहले एक बार यहाँ पर रिलैक्स हो जाता हूँ, उसके बाद चलता हूँ। और सारा काम मुझे हैंड ही करना पड़ रहा है बिकॉज मेरा ट्राइपॉड टूट गया, बहुत दुख हो रहा है। And finally guys, we are in Bhadraj temple and look at the view yaar, it's amazing. और इस मंदिर के साथ बहुत सारी कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक कहानी ये भी है कि यहाँ कई सालों पहले कोई अंग्रेज आया था जो कि काफ़ी रिच था, तो उसे भूख वगैरह लगी होगी। तो उसने जब मंदिर के पुजारी से दूध वगैरह मांगा पीने के लिए तो मंदिर के पुजारी ने नहीं दिया उसको, क्योंकि तब तक मंदिर में पूजा आरती नहीं हो पाई थी। तो जिससे उस अंग्रेज को काफ़ी गुस्सा आया और उसने यहाँ मंदिर में काफ़ी धमा चौकड़ी मचा दी, जिसमें भगवान की मूर्ति को भी उसने काफ़ी खंडित कर दिया था। और आज भी अगर आप अंदर देखेंगे तो मूर्ति के दोनों हाथ मौजूद नहीं हैं। लेकिन जब उसने इतना सब कुछ किया तो उसके बाद भगवान ने उसकी पूरी फैमिली को बहुत गंदी सजा दी यार, उसकी पूरी फैमिली का बहुत ही बुरा हाल हो गया था। तो उस दिन से यहाँ की मान्यता ये भी है कि यहाँ जो भगवान रहते हैं वो सबका ख्याल भी रखते हैं और साथ ही साथ उन्हें अपना ख्याल रखना भी आता है। Thank you.
फाइनली मैंने चैन की सांस ली है और मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो मन को एक अलग ही शांति का आभास हो रहा है। बहुत वाट लगी पूरे रास्ते में, लेकिन यहाँ पे आके मैं हर एक चीज को फील करना चाहता हूँ। और सॉरी यार, इस वीडियो को मैं ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बना पाया बिकॉज मेरे पास अपने ट्राइपॉड एंड अपना कुछ है, तो मैं अच्छे से नहीं बना पाया इस वीडियो को। सो पर जितना बनाया है उसको देखने मैं कोशिश करूंगा कि इतने में भी आप लोगों को पूरा मजा आए। एक एक चीज का आपने देखा होगा आज क्या क्या हुआ, कैसे सुबह घर से निकले लेकिन रास्ते में क्या क्या मुसीबतें आई, क्या क्या हुआ यार, बहुत कुछ हुआ। लेकिन फाइनली अब यहाँ पे आया हूँ तो फील करना चाहता हूँ मैं इसको। तो गाइज अब मैं यहाँ पूरा घूम चुका हूँ और कसम से बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है यार, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है। देख रहे हो ना सबसे ऊपर ये, इस पे जब मैंने इसकी साउंड सुना गाइज, आप ऐसे लगता ना जैसे गाय नहीं होती है, गाय गाय के गले में जो घंटियाँ होती है ना सेम वही साउंड करता है। इंटरेस्टिंग है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वापस अपनी घर के रास्ते के लिए, और इन रास्तों से दोबारा वापस जाते हैं। बहुत बैंड बजी है लेकिन खुशी भी है क्योंकि साथ ही साथ ये पता है आप घर ही जा रहे हैं यार। हमारी गाड़ी बहुत गर्म हो गई थी तो हमने सोचा कि थोड़ा ठीक पिया ले। जरूर आएगा अभी बद्राज टेम्पल, लेकिन अब हमारा जाने का वक्त हो रहा है तो अब हम लोग निकलते हैं वापस अपने अपने घर की ओर। तो हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं भाई, ये तो टॉप टॉप हो गया। आज पूरा दिन बहुत मजे भी किए और बहुत सारा रोमांच भी किया, लेकिन अरे भाई खाना बनाएंगे दिन का अगर लगाया जाए तो मस्ती बहुत की यार, और इंजॉय भी बहुत किया, तो शायद आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा हमारे साथ। अब इस सफ़र का एंड हमने सोचा है कि खाने से किया जाए, क्योंकि खाने से ही हर चीज़ की शुरुआत होती है और खाने से हर चीज़ का अंत भी होता है। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जब तक के लिए मैं दूसरा ब्लॉग लेके या दूसरा वीडियो लेके नहीं आता हूँ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सगे संबंधियों से दूरी बनाए रखो ना, एंड डोंट गिव देम कोरोना गाइज़।